कहते हैं रामपुर गांव में एक भूतिया हवेली है जिसमें कोई नहीं रहता। एक दिन बुद्धदेव और बद्रीनाथ उस हवेली में जाने का प्लान बनाते हैं, तो वह हवेली के अंदर चले जाते हैं। जब वह हवेली के अंदर जाते हैं उन्हें वहां पर बहुत ज़्यादा अंधेरा हुआ दिखता है और वह बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, लेकिन वह सीढ़ियों की ओर से आगे बढ़ते हैं। जब वे आगे बढ़ते हैं उन्हें वहाँ पर एक हेलोइन घर दिखता है और उन्हें पक्का पता चल जाता है कि यह तो एक भूतिया घर है। तभी वह थोड़ी और आगे बढ़ते हैं, तब उनके सामने तीन खतरनाक दरवाजे आ जाते हैं। तो एक के पीछे है वैम्पायर जो कि इन दोनों को मार देगा। दूसरे के पीछे है बहुत ही खतरनाक बिजली जो कि बहुत तेज करंट मार रही है। और तीसरे के पीछे है एक जॉम्बी, और जॉम्बी को तो आप जानते ही हैं। तो दोस्तों, बद्रीनाथ और बुद्धदेव को इस हवेली से बाहर निकलने के लिए अब कौन सा दरवाज़ा चुनना चाहिए, क्या आप मेरे को बता सकते हैं? आपके पास सोचने के लिए 10 सेकंड हैं, ज़्यादा टाइम के लिए वीडियो को पॉज करें। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया था कि उस पुरानी हवेली में कोई भी आने की हिम्मत नहीं करता था, तो अगर वहाँ पर कोई भी नहीं रहता था तो बिजली का बिल कौन भरता होगा भला? इसका मतलब वहाँ पर बिजली ही नहीं थी, और अगर बिजली नहीं थी तो वहाँ पर करंट कैसे होगा? तो बुद्धदेव और बद्रीनाथ अपने लिए वह वाला बीच वाला दरवाज़ा चुन लेते हैं। चलिए एक और पहेली देख लेते हैं। तो एक दिन जीवा की जो गाड़ी है वह एक नदी में गिर जाती है और वह उल्टी हो जाती है, जिससे कि जीवा वह मर जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस पहुँचती है। जब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तो वह जीवा को और गाड़ी को बाहर निकालती है, तो वह देखते हैं कि जीवा तो मर चुका है और वह गाड़ी को साइड पर खड़ी कर देते हैं। तभी वह ये सोच में पड़ जाते हैं कि जीवा ने सुसाइड करा है या फिर जीवा का मर्डर हुआ है। लेकिन तभी उन्हें जीवा की जो जेब थी उससे चार चीज़ें मिलती हैं, और वह चारों चीज़ों को देखकर एकदम समझ जाते हैं कि जीवा का मर्डर हुआ है। लेकिन कैसे, क्या दोस्तों आप मेरे को बता सकते हैं कि पुलिस को कैसे पता चला कि जीवा का मर्डर हुआ है? ध्यान से सोचिए, आपके पास सोचने के लिए 10 सेकंड हैं। तो दोस्तों, जैसा हमने देखा था कि जीवा की जो पॉकेट थी उसमें से चार चीज़ें मिली थी, जिसमें से जो गाड़ी की चाबी थी वह भी मिली थी। लेकिन उसकी जेब में गाड़ी की चाबी क्यों थी? इसका मतलब उसका पक्का मर्डर हुआ है। चलिए दोस्तों, क्या अब आप मेरे को बता सकते हैं ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम, आपको इसको सॉल्व करना है और इसकी इक्वेशन को ठीक करना है। ध्यान से देखिए और अपनी मैथमेटिकल वाला दिमाग लगाइए और नीचे कमेंट कर दीजिए। तो दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो इक्वेशन है वह है 8-3=3। तो बद्रीनाथ अपना सॉलिड वाला दिमाग लगाता है और वह उस 8 में से एक चिक को हटा देता है, जिससे कि वह चिक 6 बन जाती है। तो हो गया ना 6-3=3, तो हो गई इक्वेशन ठीक। तो इस मज़ेदार पहेली के लिए अभी की अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों, अब आप इस इमोजी को देखकर बताइए कि कार्टून का नाम क्या हो सकता है। अच्छे से देखिए और अपना आंसर कमेंट कर दीजिए। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है मिस्टर प्लस बीन, तो बन गया ना मिस्टर बीन। क्या आप इस शो को देखते हैं? आप नीचे कमेंट कर जरूर बताइए। चलिए अब आप मेरे को इस इमोजी को भी देखकर एक और कार्टून का नाम बता दीजिए। तो इस कार्टून का नाम हो जाएगा पो,
प्लस की प्लस मैन इक्वल्स टू पोकेमोन, क्या आप इसे भी देखते हैं? चलिए दोस्तों एक और पहेली देख लेते हैं। तो एक दिन बद्रीनाथ के घर से उसका सोने का हार चोरी हो जाता है। बद्रीनाथ बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है और तभी वह ये बात पुलिस को बता देता है। जब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तब बद्रीनाथ का जो डॉगी था वह भौंकना शुरू कर देता है। तब पुलिस वाला पूछता है कि ये आपने कैसा डॉगी पाल रखा है? तो बद्रीनाथ बताता है कि सर डरने की जरूरत नहीं है, ये डॉगी जब भी नए लोगों को देखता है तब ये बार्किंग शुरू कर देता है। तो लिटिल सिंगम पूछते हैं कि क्या आप मेरे को बता सकते हैं कि आपके साथ क्या हुआ है? तो बद्रीनाथ बताते हैं कि सर मेरे घर से अभी अभी एक सोने का हार चोरी हो चुका है जो कि करीबन 11 लाख रुपए का था। तभी बद्रीनाथ से वह पूछते हैं कि आपको ये चोरी पे किस किस लोगों पर शक है? तब बद्रीनाथ बताता है कि मुझे 3 लोगों पर शक है क्योंकि ये 3 लोगों मेरी प्रॉपर्टी पे बहुत बुरी नज़र रखते थे। तो पुलिस सबसे पहले बुद्धदेव को बुलाती है। तो जब बुद्धदेव वहाँ पर पहुँचता है तो वह कहता है कि बद्रीनाथ मेरा अच्छा दोस्त है, मैं उसकी प्रॉपर्टी भला और उसका सोने का हार क्यों चोरी करूँगा? फिर उसके बाद वह बुलाते हैं जीवा को। तो जीवा कहता है कि सर मैं तो इनके घर पर पहली बार आया हूँ, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। और फिर वह आखिरी में पूछते हैं बद्रीनाथ के बेटे से कि क्या बेटा तुमने गलती से खेलते खेलते सोने का हार चोरी कर लिया क्या? तो छोटा बद्रीनाथ कहता है कि नहीं अंकल, मेरे को इसके बारे में कुछ नहीं पता। वह तीनों की बातों को ध्यान से सुनते हैं और थोड़ी देर सोचते हैं और तभी समझ जाते हैं कि बद्रीनाथ का सोने का हार भला किसने चोरी करा होगा। क्या दोस्तों आपको समझ आया? आप लिटिल सिंगम वाला दिमाग लगाइए और मुझे बता दीजिए कि बद्रीनाथ के सोने का हार किसने चोरी करा होगा। तो दोस्तों बद्रीनाथ के सोने का हार और किसी ने नहीं, जीवा ने चोरी करा है। आइए जानते हैं कैसे। तो अगर आपने ध्यान से सुना हो तो जब लिटिल सिंगम आए थे तो बद्रीनाथ ने बताया था कि ये नए लोगों को देखकर भौंकना शुरू कर देता है। लेकिन जब वहाँ पर जीवा आया था तो जीवा ने भी बताया था कि मैं यहाँ पर पहले कभी नहीं आया, मैं यहाँ पर पहली बार आया हूँ। लेकिन अगर मैं पहली बार आया तो डॉगी ने भौंकना शुरू क्यों नहीं करा? इसका मतलब है कि जीवा बद्रीनाथ के घर पर पहली बार नहीं आया, वह पहले भी बहुत बार आ चुका है। और इससे ही लिटिल सिंगम को पता चल जाता है कि जीवा झूठ बोल रहा है और जीवा ने बद्रीनाथ के घर से सोने का हार चुराया है। क्या अब आप मेरे को बता सकते हैं कि बद्रीनाथ किसे बचाएगा? एक तरफ है उसकी मदर और एक तरफ है उनके फादर जो कि रो रहे हैं, और एक तरफ है बद्रीनाथ का खुद एक छोटा सा 1 साल का बेटा जो कि रेल की पटरी पर बैठा हुआ है, और दूसरी तरफ उसके पिताजी के साथ एक डॉगी है जो कि उसके पिताजी का पालतू है। तो बद्रीनाथ इन चारों में से किसी एक को ही बचा सकता है। ये कैसी सिचुएशन आ चुकी है बद्रीनाथ के सामने? क्या आप मेरे को बता सकते हैं कि बद्रीनाथ को किसे बचाना चाहिए? तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो बद्रीनाथ को अपने फादर को बचाना चाहिए, क्योंकि अगर आप दूसरी साइड पर देखेंगे जहाँ पर उसका 1 साल का छोटा सा बेटा है और जहाँ पर उसकी बुढ़ी माँ है, वहाँ पर रेड सिग्नल हो रखा है। इसका मतलब वहाँ पर ट्रेन नहीं आने वाली है। तो इसका मतलब है बद्रीनाथ को सबसे पहले अपने फादर को ही बचाना चाहिए। और अब बात रही पप्पी की, तो जो पप्पी है वह बद्रीनाथ के पापा का पालतू है, यानी अगर वह उन्हें बचाएगा तो जो डॉगी है वह भी उनके पीछे पीछे भागा आएगा, क्योंकि आपको तो पता ही है डॉगी कितने वफादार होते हैं। तो दोस्तों आज का एपिसोड आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप हमारी ये वाली वीडियो भी देख सकते हैं, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है।